हेलो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। दोनों वीडियो की क्वालिटी के अंदर काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि दूसरे वाले वीडियो के कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो डिफरेंस है वो है विजिबिलिटी का और वो एनवायरनमेंट के अंदर। पहली वाली वीडियो के अंदर एयर के अंदर काफ़ी पोल्यूटेंट्स हैं, डेट मीन्स एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। इंडिया में विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है, जबकि दूसरे देशों के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स डिफाइन करते हैं AQI को, मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और उतनी ही विजिबिलिटी कम होगी, यानी कि हम कम दूरी तक देख पाएंगे और हमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने पर, यानी कि एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स कम होने पर, आसमान बिल्कुल नीला और स्वच्छ दिखाई देता है और हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं, करीब 50 किलोमीटर तक भी। यूरोपियन देशों में और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर मौसम काफ़ी साफ रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी क्लियर वीडियोस आपको दिखाई देती हैं। एक इंडिया के अंदर होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान आप वीडियो क्वालिटी देखिए और एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान वीडियो आप जब देखते हैं तो आपको फ़र्क साफ नज़र आता है। यह कैमरे क्वालिटी का फ़र्क नहीं, यह एयर क्वालिटी का फ़र्क है। तो आइए समझते हैं ये AQI क्या है और भारत में यह किन किन स्टेट्स या किन किन रीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। AQI का सीधा सा मतलब है पोल्यूटेंट्स की मात्रा। कौन कौन से पोल्यूटेंट? PM10, PM2.5। PM स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर मैटर्स और 10 मीन्स उनका डायमीटर इन माइक्रोन। ऐसे ही PM2.5 का मतलब है ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स, यानी कि हवा के अंदर सस्पेंडेड ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन्स या उससे कम है। उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लीड। AQI को मापने का स्केल अलग अलग देशों में अलग अलग है। इंडिया में इसे 0 से 500 के स्केल में मापा जाता है। जितना ज़्यादा AQI इंडेक्स, यानी कि AQI नंबर, उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड एयर। इस स्केल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि AQI इंडेक्स होने से किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। 0 से 50 काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 50 से 100 भी सेटिस्फैक्ट्री रहता है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, जबकि 100 से 200 के बीच में होने पर कुछ बच्चे या कुछ वृद्धों के लिए यह हानिकारक हो सकता है, जिन्हें सांस की समस्या है। 200 से 300 के ऊपर जाने के ऊपर ये काफ़ी ख़राब होता जाता है और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी यह प्रभावित कर सकता है। 300 से 400 के बीच में बहुत ही बुरा माना जाता है और इसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़, यानी कि रनिंग जॉगिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, जबकि 400 से ऊपर जाने के कारण ये हजार्डियस हो जाता है और इसमें सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल होता है और ये हमारे लंग्स को काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इंडिया, खासकर दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, UP, इनके अंदर AQI काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो यह लगभग 300 के आसपास रहेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इस एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण हमारे फेफड़े बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं और सांस लेने की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इस मैप के जरिए आप इंडिया के AQI इंडेक्स को समझ सकते हैं कि कहां पर यह ज़्यादा है और कहां पर कम। जितना ज़्यादा यह येलो और रेड होता जाता है उतनी ही एयर क्वालिटी वहां पर ख़राब आकी गई है। एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स इंक्रीज होने की 3 मेन वजह हैं। पहली वजह है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनसे निकलने वाले धुएं और उनसे उठने वाली धूल, जो कि पर्टिकुलर मैटर्स 2.5 और 10 की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है।
सेकंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं जिसकी वजह से भी ये बढ़ता जा रहा है। नंबर 3, एग्रीकल्चर वेस्टेज को चलाना, और इन सब को इफ़ेक्ट करता है एयर स्पीड यानी कि विंड स्पीड, जो कि समुंदर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होने पर उतनी ही कम होती जाती है। हालांकि यह ईयर वाइज भी वेरी करती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान विंड स्पीड काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर मैट्रेट्स और अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वहाँ से मूव नहीं कर पाते और वहीं के वहीं इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि नवंबर के महीनों में विजिबिलिटी हमारी बहुत ही कम रहती है और सब जगह धुआं धुआं ही दिखाई देता है। तो अगर आप अपनी सेहत को स्वच्छ रखना चाहते हो तो AQI को कम से कम रखने के लिए आप प्रयास कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, एग्रीकल्चर वेस्ट को ना जलाए देने, और जहाँ तक अगर हो सके तो सड़कों व आम रास्ते को जितना स्वच्छ हो सके उतना स्वच्छ रखने के लिए कोशिश करें, सरकार की तरफ से या खुद। AQI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।